अभी पकड़ता हूँ तुम्हें। नहीं पकड़ सकते। पकड़ लूंगा, पकड़ के दिखाएं फिर। हाँ, कोशिश तो कर रहा हूँ भाई। आप इतने समय ही थक गए हैं ना पकड़े। बेटा 2 मिनट सांस लेने दो। अंकल मैंने कहा था ना मुझे नहीं पकड़ सकते। पकड़ूंगा तो ऐसा बेटा कि छठी का दूध याद आ जाएगा तुझे। एक बार मेरी रामीन से शादी हो जाने पे बस। पकड़े जल्दी। अदनान बेटे क्या कर रहे हो? वो बेचारा ऑफिस से थका हुआ है, तुम दौड़ा दौड़ा कर उस बेचारे को और थका रहे हो। नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। अदनान तो बहुत प्यारा बच्चा है, मेरा जी चाहता है कि हमेशा मेरे पास ही रहे। कुछ भी कर सकता हूँ मैं इसके लिए। नानू आप जाए ना, हमें खेलने दें। अच्छा भाई खेलो तुम लोग। आए तौसीफ अंकल, कम ऑन। तौसीफ भी कितना अच्छा लड़का है, बच्चों से कितना प्यार करता है, सबके साथ खुश रहता है। और ये हमारा अदनान, ये भी उसके साथ कितना खुश रहता है ना। जब अदनान को चोट लगी थी और तौसीफ ने इतना ख्याल रखा उसका, तब से अदनान दीवाना हो गया उसका। जी तो अब खदशा किस बात का है रामीन? तुम अदनान की वजह से इनकार करती थी ना कि वो राजी नहीं होगा। अब तो बच्चा तौसीफ से इतना मानूस है, अब फैसला क्यों नहीं कर लेती हो शादी का? माँ देखो बेटा, राहिब भी बहुत अच्छा लड़का था, उसके अंदर दुनिया जहान की खूबियां थी, और तुमने उसे भी ठुकरा दिया और वो बेचारा दिल बर्दाश्त होकर नौकरी छोड़कर यहां से चला गया। अब कैसे भी गंवाना चाहती हो? देखो रामीन, खुशकिस्मती जिंदगी के दरवाजे पर बार बार दस्तक नहीं देती। हम लोग काफी देर से बात डिस्कस कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल के बात फोन पर करने वाली है। आप लोग कल स्कूल आ जाइए, हम मीटिंग कर लेते हैं। जी जी मैं 2:30 बजे तक होती हूँ। ठीक है, ऑलराइट, अल्लाह हाफिज़। मुझे इजाजत दीजिए। सो सॉरी आपको मेरी वजह से इतना वेट करना पड़ा। कोई ऐसी बात नहीं, अदनान सो चुका है, आप अपना डिनर कंप्लीट कर लीजिए। डिनर? कॉल अटेंड करने से पहले आप डिनर कर रही थी, भूल गई क्या? सर मैं तो मेरी भूख ही मर गई है। अच्छा एक बात कह सकता हूँ? श्योर। भूख का मर जाना इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह होता है, मगर ख्वाहिशात का मर जाना आहिस्ता आहिस्ता रूह को मार देता है। ख्याल रखें अपना, चलता हूं। भूख का मर जाना इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह होता है, मगर ख्वाहिशात का मर जाना आहिस्ता आहिस्ता रूह को मार देता है। तो अदनान की वजह से इनकार करती थी ना कि वो राजी नहीं होगा। अब तो बच्चा तौसीफ से इतना मानूस है, अब फैसला क्यों नहीं कर लेती हो शादी का? देखो रामीन, खुशकिस्मती
जिंदगी के दरवाजे पर बार बार दस्तक नहीं देती।